ललन सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने में जदयू कमजोर हुआ है, क्या लगता है? देखिए, जदयू कमजोर हुआ इसका तो सामने आपके सामने साहब आ ही गया। पहली बार इनके नेतृत्व में चुनाव इन लोगों ने लड़ा। और एक बात जरा समझिए, भाई आप कहते कुछ हैं, आप करते आप लोग कुछ हैं, तो लोहिया जी को क्या नारा देते हैं जी? कहते हैं ना कि जिसकी जितनी आबादी होती है उसकी भागीदारी होनी चाहिए। आप बताइए, ये तो पूछते हैं वो, अगर कोई कार्यकर्ता उनको प्रणाम करता है तो जवाब भी देते हैं, कभी जमीन पर जाते हैं, कभी रहे नहीं। ये लोग टेबल पॉलिटिक्स करने वाले नेता हैं, तो टेबल पॉलिटिक्स करने वाला अगर आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएगा जी, तो उस पार्टी का क्या बचना है? वो गए तो थे कुढ़नी में, वहां उनके समाज के लोगों ने किस प्रकार से जवाब दिया? अब जिस नेता का अपने समाज में कोई आधार नहीं, उसको इतना बड़ा जनता दल पार्टी का अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दीजिएगा, तो भगवान भी क्या करेंगे जी, वो कितना दूर तक आपको मदद करेंगे? भ्रष्टाचार काफी चरम सीमा पर है। आप इस बात को जो कह रहे हैं, देखिए, जो आप चले जाइए, हमने पिछले बार कहा था, ये उदाहरण लीजिए ना आप, कि आज पूरा का पूरा नालंदा जिला किसान तबाह किस बात के लिए? ये सर्वे जो करा रहे हैं लैंड का, आप जाइए आज वहां पर अंचल कार्यालय में, मैंने बताया ना, किसी का खाता इधर किसी का खाता उधर, जो ठीक कराना चाह रहा है उसको पैसे लगते हैं। छोटे मोटे चीज को एक हमारे साथी बोल रहे थे, जब तो साहब डेथ सर्टिफिकेट लाना जाता है उसमें भी पैसा देना पड़ता है, बिना पैसा दिए नीचे काम नहीं क्यों हो रहा है? इतने वर्षों में नीतीश बाबू का एक सबसे बड़ी पहचान क्या थी? भाई हम भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, प्रशासन में बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, और इसके लिए कितने कानून लाए जी, राइट टू पब्लिक ग्रीवांस रजिस्टर एक्ट, राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट, सब एक्ट का घटा पता दिया। कहीं भी जाइए आप, जिस जनता से पूछ लीजिए, वो बेचारा चक्कर मार रहा है, उसका काम ही नहीं होता। तो इसका कारण देखते हैं, बहुत सिंपल है, मैंने गुजरात का उदाहरण दिया। वहां पर क्या है, वहां पर मुख्यमंत्री कार्यालय में मैं गया था, जब मैं केंद्र में मंत्री था, उनका जो डैशबोर्ड है, वहां जो मॉनिटरिंग होती है, जो अनुश्रवण होता है, जितनी सरकारी योजनाएं, उनके लोग बैठ करके मुख्यमंत्री कार्यालय से मॉनिटरिंग करते हैं। मैं आकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को बताया था, उनके प्रधान सचिव से भी मैंने कहा था, भाई बिहार में आपके पास बहुत सारी योजनाएं हैं, आप योजना बना ले रहे हैं, लेकिन उसका अनुश्रवण नाम की कोई चीज ही नहीं है। जब तक अनुश्रवण नहीं करिएगा, सिर्फ ये कहने से कि हमने निर्देश जारी कर दिए, हमने आदेश जारी कर दिए, निर्देश जारी करने और आदेश जारी करने से कुछ नहीं होगा, जब तक टॉप लेवल पर इसका मैनेजमेंट का बढ़िया डैशबोर्ड ना हो, एक एक चीज की मॉनिटरिंग नहीं होगी, तब तक जो आप बोल रहे हैं ना भ्रष्टाचार और ये रहेगा साहब। और इसको हमको दूसरे स्टेट से सीखना चाहिए, इसमें कभी प्रेस्टीज नहीं बनाना चाहिए। अगर कोई प्रदेश अच्छा काम कर रहा है, कोई अच्छी वहां पद्धति है, उसको अपनाना चाहिए।